अगर रावण ने अपनी मां कैकसी की बात मान ली होती तो आज रामायण ना होता। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत, हमेशा पुरुषों के ही शौर्य और पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रामायण और महाभारत में स्त्रियों का योगदान कम था। वे भी इन घटनाओं के उतने ही हिस्सेदार थे जितने कि पुरुष थे। इन ऐतिहासिक घटनाओं में अगर सबसे ज्यादा किसी को नकारा गया है तो वो है इन पराक्रमी योद्धाओं की माताओं को, खास करके उन माताओं को जो कि हारे हुए पक्ष थी, यानी कि हारे हुए पराक्रमी योद्धाओं की माताएं। इनके बारे में आपको कहीं जानने और सुनने को ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इन माताओं के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इनकी बातों को इनके बेटों ने अगर मान लिया होता तो फिर ये महाभारत और रामायण जैसा युद्ध नहीं हुआ होता। दोस्तों, आज हम आपको रामायण के सबसे रहस्यमय और बदकिस्मत माओं में से एक रावण की मां कैकसी के बारे में बताएंगे, जिसे इतिहास में भुला दिया गया है। अगर आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपका रामायण को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा। कहते हैं कि बेटा या बेटी बड़े होकर अगर कोई ऐतिहासिक कार्य करता है तो उसका ज्यादातर श्रेय उनके माता पिता को जाता है, क्योंकि संस्कार के प्रभाव से ही बच्चा बड़ा होकर अच्छे या बुरे कार्य करता है। शास्त्रों के अनुसार रावण महाज्ञानी और ईश्वर का महाभक्त था। इसी कारण रामचंद्र जी ने रावण के अंतिम समय में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि वो रावण के पास जाए। ग्रंथों और पुस्तकों में रावण के बारे में इतने कुछ आसानी से प्राप्त नहीं होता, और शायद यही कारण है कि रावण के बारे में आज भी बहुत कुछ अज्ञात है। रावण के बारे में सबको तभी पता चलता है जब रामायण का जिक्र आता है। रावण के माता पिता का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए उनका पूरा वंश विवरण कहीं कहीं हमारे ग्रंथों में उपलब्ध होता है। रावण की माता कैकसी के वंश के बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इनका भी वंश ब्रह्मा से ही है। कहते हैं कि ब्रह्मा से हेती और प्रहेती नामक दो राक्षसों ने जन्म लिया था। इन्हीं दोनों से ही राक्षस वंश की शुरुआत हुई, लेकिन प्रहेती ने आगे चलकर तपस्या का रास्ता अपनाया, मतलब उसके जीवन का रास्ता ही अलग हो गया। दूसरे ओर हेती ने यम की बहन भया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युत केशी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विद्युत केशी ने संध्या की पुत्री सलकांटका से विवाह किया, जिससे उन्हें सुकेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र को इन दोनों ने त्याग दिया। बाद में फिर भगवान शंकर और माता पार्वती ने इसे गोद ले लिया, तब से ही ये शिव पुत्र कहलाया। बाद में चलकर सुकेश का विवाह ग्रामीणी गंधर्व की कन्या देववती से हुआ। इनसे उसे तीन पराक्रमी पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली की प्राप्ति हुई। माल्यवान ने सुंदरी से विवाह किया, जिससे उसे 7 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। सुमाली ने केतुमती से विवाह किया, जिससे उसे 10 पुत्र और 4 पुत्रियों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थी रावण की माता कैकसी। कैकसी का विवाह ऋषि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा से हुआ। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर एक राक्षसी की बेटी कैकसी से एक ब्राह्मण पुत्र विश्रवा से विवाह क्यों हुआ? अब देखिए, यहाँ से शुरू होती है कैकसी की विडंबना। यहीं से उसके जीवन में उतार चढ़ाव का दौर शुरू होता है। वो कैसे अपने ही पिता के द्वारा एक चाल का सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाती है। कैकसी के पिता की इस चाल के पीछे एक नफरत और बदले की आग थी। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब एक समय में सोने की लंका पर सुमाली का अधिकार था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था, लेकिन इसे माल्यवान, सुमाली और माली तीनों भाइयों ने धोखे से जब्त कर लिया। इन तीनों भाइयों ने हजारों वर्ष तक लंका पर शासन किया। ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने बाद में देवों की राजधानी अमरावती को हत्याने का प्रयास किया। इस पर भगवान विष्णु ने इन तीनों भाइयों को सबक सिखाया, जिससे कि अपनी हार पर शर्मिंदा होकर इन्हें लंका छोड़कर जाना पड़ा। ये तीनों भाई लंका से लौटने में बहुत शर्मिंदा थे। बाद में फिर लंका पर कुबेर ने अधिकार कर लिया और यक्ष साम्राज्य की स्थापना की। लंका में इन यक्षों की रक्षा राक्षस ही किया करते थे। अब यहीं से शुरू होता है सारा खेल। सुमाली इस प्रतीक्षा में थे कि कब वो मौका आएगा जब राक्षसों को दोबारा लंका प्राप्त होगा।
लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। कुबेर से युद्ध में राक्षस थोड़े कमजोर थे, इसलिए उन्हें एक ऐसा राक्षस चाहिए था जो देव और राक्षस के मेल से बना हो। इसलिए सुमाली ने अपनी बेटी कैकसी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उसकी शादी ऋषि पुत्र विश्रवा से हो जाए, और यहाँ पर विश्रवा का पहला पुत्र कुबेर ही था, इसलिए सुमाली ने विश्रवा को ही टारगेट किया। कैकसी ने अपने पिता की बात मान ली और चली गई ऋषि विश्रवा के पास। उसने विश्रवा ऋषि से संबंध बनाने की कोशिश की सिर्फ अपने पिता के प्रतिशोध को अंजाम देने के लिए। विश्रवा के आश्रम में जाकर कैकसी ने उनको आकर्षित करना शुरू किया। ऋषि उनके मुंह पास से बंध गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कैकसी ने उनकी खूब सेवा की जिससे ऋषि प्रसन्न हुए और उसे कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर कैकसी ने अपने पति से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसे पुत्र का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उसे कोई हरा ना सके। कुछ समय के बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला था। कैकसी ने पूछा, इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों है? तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसलिए ये अद्भुत है और इस जैसा कोई और नहीं है। 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रखा गया रावण। कैकसी रावण को लेकर अपने पिता के पास आ गई जहां उसे राक्षसों का माहौल मिला। कैकसी को उसके पिता बार बार ये कहते थे कि तुम अपने बेटे रावण को उसके उद्देश्य की याद दिलाओ। कैकसी अपने पिता की बात दोबारा मानती है और रावण को कुबेर के खिलाफ भड़काती है। कैकसी बचपन से ही रावण के मन में कुबेर के प्रति राक्षस जाति के ऊपर हुए अपमान की याद दिलाती और कहती, तुम्हें कुबेर को सबक सिखाना ही होगा और वापस लंका पर अधिकार करना ही होगा। रावण ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया और एक वक्त पर जाकर वो इतना बलशाली हो गया कि उससे सभी देवता कांपने लगे। बाद में फिर कुबेर से रावण ने सोने की लंका छीन ली और ऐसे खत्म हुआ कैकसी का प्रतिशोध जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कुबेर से सोने की लंका छीनने के बाद रावण अपनी मनमानी करने लगा। उसे अपने शक्तियों का इतना अहंकार हो चुका था कि उसने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। कैकसी ने रावण का बड़ा विरोध किया, परंतु रावण ने अपनी माँ की एक ना मानी। यहाँ तक कि कैकसी रावण की पत्नी मंदोदरी को भी कई बार कहती कि रावण को समझाओ, क्योंकि उसने सीता का अपहरण करके अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे दिया है। वो बार बार रावण के पास जाती और कहती, सीता को छोड़ दो, तुम जो अभी कर रहे हो वो ठीक नहीं, छोड़ दो सीता को। परंतु रावण के कानों में अपनी माता की बातें घुसती ही नहीं थी। वो अहंकार में पागल हो गया था। यहाँ तक कि उसके भाई कुंभकर्ण को भी पता था कि रावण एक अन्याय कर रहा है, लेकिन चूंकि रावण उसका बड़ा भाई था इसलिए उसने भी रावण का साथ दिया। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि खुद रावण को छोड़कर रावण के साम्राज्य में हर कोई रावण का मन ही मन विरोध कर रहा था। जब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, तब कैकसी रावण के भाई विभीषण के पास गए और उससे कहा कि तुम रावण को समझाओ, नहीं तो उसका सर्वनाश निश्चित है। कैकसी ये समझ चुकी थी कि उसके अंदर जो नफरत के संस्कार बचपन से भरे हुए थे वो ही उसके सर्वनाश का कारण बनेगी, और ऐसा ही हुआ। नफरत और अहंकार के कारण रावण का सर्वनाश हो गया। आज रामायण में माता कौशल्या, सुमित्रा और कैके के बारे में लोग बस इतना ही जानते हैं कि वो महापुरुषों की माँ थी, लेकिन रामायण के खलनायक रावण की माँ कैकसी के बारे में लोग बात नहीं करते, या तो ये कह लीजिए उनके बारे में ज़्यादा बातें कहीं उपलब्ध ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पराजितों के पक्ष में थी, और इसीलिए भी क्योंकि वो एक महिला थी जिसका अपने बेटे के जीवन पर बहुत कम नियंत्रण था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।